रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाइंड है या कची मिसरी जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप वर्ती हुजे या न रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर कैंप 5 की पूज्य पंचायत व्यापारी एसोसिएशन की तरफ से भी पेन पार्क पॉलिसी का विरोध करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष किशोर ओनवाड़ी ने बताया कि यह जो प्रस्ताव है वह दुकानदारों के खिलाफ है और शहर हित में भी नहीं है। ये दुकानदारों के एकदम खिलाफ मुद्दा है और ये शहर हित में नहीं है, इसका हम विरोध करेंगे और करते रहेंगे। वहीं किशोर ओनवाड़ी एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ साथ उल्लासनगर मनपा के नगर सेवक भी हैं, तो जब उनसे पूछा गया कि आपने इस प्रस्ताव का गुरुवार की महासभा में विरोध क्यों नहीं किया, तो इस पर किशोर ओनवाड़ी ने क्या बताया, आइए वह भी जानते हैं। क्या कारण क्या है, महासभा में उस दिन ऑनलाइन होने की वजह से ये लोग हमें सुन नहीं रहे थे, हमारी आवाज़ म्यूट कर रहे थे, आवाज़ आ ही नहीं रहा था। हजारों बार हमारे सब सदस्यों ने चिल्लाए, उसके बाद तीसरे मुद्दे से हम लोगों ने महासभा के हाल के बाहर जाके चिल्लाए, धरना दिया। तीसरा नंबर इन्होंने ऐसे ही पास किया, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठा नंबर, सातवा नंबर, आठवा नंबर, आठ नंबर मुद्दे तक जो वो था स्वर्गधाम शमशान भूमि में स्विचिंग स्टेशन बनाया, उसमें भी हमने जब चिल्लाए, बहुत चिल्लाए कि ये शहर हित में नहीं है, हिंदुओं के खिलाफ प्रस्ताव है, पूरे भारत में किधर भी स्वर्गधाम शमशान भूमि में स्विचिंग स्टेशन नहीं होगी, तब जब भी वोटिंग की मांग की तो उसके बाद इन्होंने जाके वो डिफर किया और ये जो पहले के प्रस्ताव भी पास हुए, आप देखोगे हम लोग चिल्लाते ही रहे, हर चैनल वाले ने हमारा शूटिंग निकाला है कि हम चिल्लाते रहे थे, भाई हमें बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, कोई भी मुद्दे पे नहीं बोलने दिया। इस मुद्दे के लिए हम खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे और खिलाफत करते रहेंगे। तो आप क्या कॉर्पोरेशन को ये प्रस्ताव रद्द करने के लिए कोई लेटर, कोई निवेदन करेंगे? बिल्कुल, मैं कल ही करने वाला था, जो हमारे टाइपिस्ट थी दोनों, मैं एक सर अपोजिशन लीडर था, जो हमारे भाजपा कार्यालय में जो दो स्टीनो थी दोनों नहीं आई हुई थी, सोमवार को जैसे ही आएंगे टाइप करा के उनको दूंगा कि ये मुद्दा शहर हित में नहीं है, इसको कैंसिल किया जाए, ये कहां पर लागू है, हमें इसकी डिटेल दिए जाए। और शहरवासी, पहले पे एंड पार्क की जगह तो दो शहरवासियों को, किधर गाड़ियाँ रोकने की जगह तो दो, उसके बाद चार्ज लो। और अगर ये लोग दुकान के बाहर भी खड़ी हुई गाड़ी की चार्ज लेंगे तो क्या ट्रैफिक वाले जो टोचनी गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी लेके जाते हैं और हमसे दंड लेते हैं, क्या वो इसके बाद बंद होगा? तो आप अब शहर के व्यापारियों को क्या कहेंगे? शहर के व्यापारियों को हाथ जोड़ के, पैर पड़ के विनंती करूंगा, इस मुद्दे पर पूरा शहर एकजुट हो, सभी आवाज उठाएं और सभी पक्ष को विनंती करता हूं कि जो ये सत्ताधारियों ने किया है उन्होंने भी क्यों किया, उसको डिफर करना चाहिए था उनसे, उनसे भी मेरी विनंती है, इसको मिनट्स पास करते टाइम इसको निकाल दिए जाए कि ये शहर में नहीं रहेगा, आउटसाइडर कोई व्हीकल आती है उससे लिया जाए। जैसे मैंने पहले पूरे पैनल में भी अपने सुलभ शौचालय बहुत से ऐसे रखे कि लोकल आदमी अगर लेटरिन बाथरूम के लिए जाएगा उससे चार्ज नहीं, आउटसाइडर आएगा उससे लिया जाए, उसी प्रकार आप पे एंड पार्क की चार्ज उससे करो जो शहर के बाहर का हो। आपका कहना कि सत्ताधारियों ने ये जबरदस्ती पास किया, तो आपको क्या लगता है कि सत्ताधारी व्यापारियों के खिलाफ काम कर रहे हैं? देखिए, मैं उनके लिए कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलूँगा, मैं गलत नहीं बोलता हूँ, आपको मेरा पॉलिसी मालूम है कि सभी को हाथ जोड़ के कोऑपरेशन लेता हूँ, सबका साथ लेता हूँ, सबका विकास लेता हूँ। तो उनको मेरी विनंती है, अगर ये गलती से हो गया है उनसे भी, या चिल्लाचिल्ली में अगर उनसे भी हो गया है, तो इसको पुनर्विचार करके आने वाली महासभा में रद्द करने की प्रस्ताव लाएं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।